भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए प्रदेश को भेजी गई स्वास्थ्य उपकरणों की खेप आज जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर एवं भाजपा पदाधिकारियों ने SDM रोहित राठौर के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपी। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से स्वयं फीडबैक लेकर उन्हें निर्देश देने के साथ साथ जो जो प्रदेशों को जरूरत है या मदद उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कई तरह के दुष्प्रचार कई राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। कपूर ने कहा कि इस वक्त सभी राजनीतिक दलों को सलाह देना चाहते हैं कि यह वक्त राजनीति का नहीं है और समय सभी को एकजुट होकर कोरोना महामारी से निपटना चाहिए। सांसद किशन कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संकट की इस घड़ी में भी समाज की सेवा की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एक कार्य सौंपा है कि सेवा ही संगठन है और इसी कड़ी के तहत भाजपा द्वारा लोगों के बीच में कार्य किए जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से प्रदेश को करीब 30 लाख 3-ply मास्क, N95 मास्क, 50,000, 25,000 ग्लव्स, 10,000 फेस शील्ड तथा 7,000 PPE किट, 6,000 ऑक्सीजन मास्क, ARM 3200 और विदेशों से मंगवाकर 1500 ऑक्सीजन रेगुलेटर प्रदेश को महामारी से निपटने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। सांसद ने कहा कि इसमें राजनीति का समय नहीं है और देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, ऐसे में सभी को मिलजुल कर देश की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इनमें भी दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। कपूर ने कहा कि राजनीतिक दल इस समय घटिया स्तर की राजनीति ना करें और देश हित में कार्य करें। कपूर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के समय विश्व की मदद की थी और आज विश्व भारत की मदद कर रहा है और बहुत सारी राहत सामग्री विदेशों से भारत पहुंच रही है। सांसद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रत्येक जिला में समय ग्राउंड पर जाकर तिथियों का आकलन कर रहे हैं। सांसद किशन कपूर ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर ही कांगड़ा जिला में केंद्र और प्रदेश सरकार की सहायता से 34 नए वेंटिलेटर टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रत्येक मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य कार्यकर्ता दिन रात कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। केंद्र की ओर से जो राहत सामग्री है कोविड-19 से लड़ाई के लिए वो प्रशासन को सौंपी गई है, क्या क्या सामग्री सौंपी गई है और क्या कुछ कहेंगे सांसद? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश में जो आज महामारी फैली हुई है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री से स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं, उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और जो जो उनको ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी पूरी की भी जा रही है। कई किस्म के दुष्प्रचार आजकल कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और मैं तो उनको एक ही सलाह दूंगा कि उनको इस समय राजनीति का नहीं है। इस समय हर नागरिक को हमें समाज की सेवा करनी है, इस भावना से हमें काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा की भावना से ही काम कर रही है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जिन्होंने एक संकल्प भी लिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक काम सौंपा है कि सेवा ही संगठन है, उस सेवा ही संगठन के नाते ही कल उन्होंने वहाँ से राहत सामग्री जो है ये भेजी थी और इसमें हमारे देश के जो वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने प्रदेश के लिए जो सामग्री भेजी है
वो लगभग 3 प्लाई मास्क जो हैं वो 30 लाख भेजे हैं, N95 50,000 भेजे हैं, ग्लोव्स 25,000 भेजे हैं, फेस शील्ड 10,000 भेजी है, PPE किट जो है वो 7,000, ऑक्सीजन मास्क 6,000, NRM 3200 और ऑक्सीजन रेगुलेटर वो उसकी बहुत किल्लत यहाँ थी, वो उन्होंने विदेशों से मंगा कर 1500 हिमाचल प्रदेश को भेजे हैं। नेजल कैनुला जो हैं वो 2501 भेजे हैं और हमारे ज़िला कांगड़ा के लिए 3 प्लाई मास्क जो हैं वो 5,000, ग्लोव्स 2,000, PPE 400, फेस शील्ड 100, NRM 250 प्लस ऑक्सीमीटर 100, ऑक्सीजन मास्क 400, N95 300, ऑक्सीजन रेगुलेटर 240 भेजे। इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाज की सेवा में लगा हुआ है और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे उनसे एक ही बात करनी है कि वो इस समय राजनीति का समय नहीं है। देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट जो है वो संकट के बादल मंडरा नहीं रहे हैं बल्कि संकट है, उनको सेवा करनी चाहिए। उनका एक ही काम है, रोज़ अखबारों में पढ़ो या सोशल मीडिया में देखो तो एक किस्म का दुष्प्रचार वो कर रहे हैं, उससे हमारा प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल भी गिर रहा है और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं चाहे उसमें डॉक्टर हैं चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी मनोबल गिराने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे उनसे एक ही बात करनी है कि वो इस किस्म की जो घटिया किस्म की राजनीति है वो ना करें और देश हित में काम करें, और उनको कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकारें हमारे सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे विश्व से जो पहले मदद की थी अब पूरा विश्व भारत की मदद कर रहा है और बहुत सारी राहत सामग्री भारतवर्ष को आ भी रही है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी स्वयं हर जिला में जाकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको देखा है, और कांगड़ा में ही अभी कुछ दिनों में ही केंद्र सरकार जो है वो 19 वेंटिलेटर भेज रही है और 15 वेंटिलेटर हमारी प्रदेश सरकार भेज रही है। अभी जो हमारे यहाँ वेंटिलेटर काम कर रहे हैं टांडा मेडिकल कॉलेज में वो 62 है, 34 नए वेंटिलेटर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारी सरकार जो है दिन और रात मेहनत कर रही है, सरकार का हर मंत्री विधायक सांसद और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे उनको सिर्फ एक ही सलाह उन लोगों को देनी है, जो कुछ लोग बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनको भी एक कहना है, वो दुष्प्रचार न करें, और मैं आपके माध्यम से आप लोग भी रात और दिन जो कई सारी खबरें हैं वो प्रशासन को भी पहुंचाते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, मीडिया के भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सकारात्मक रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो है कोविड से लड़ाई के लिए कुछ सामान जो है वो प्रशासन को सौंपा गया है, किसके माध्यम से सौंपा गया और क्या कुछ इसमें जो है वो प्रशासन को सौंपा गया? आज जिला कांगड़ा के लिए माननीय सांसद महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, उनके माध्यम से जो है हमें हेल्थ से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, जिसमें 3 प्लाई मास्क, ग्लव्स, PPE किट्स, फेस शील्ड्स, NRM जो मास्क को रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन मास्क, N95 और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स, ये बहुत ही रिलेवेंट आइटम्स जो हैं हमें आज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए मिली है। जैसे कि सबको मालूम ही है कि ऑक्सीजन रेगुलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और ये खेप जो हमें पहुंची हुई है डेफिनेटली ये हमारे यहाँ पे जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल में की जाएगी। मैं ज़िला प्रशासन कांगड़ा की ओर से माननीय सांसद महोदय जी का, यहाँ पे आए जो सांसद साहब श्री शिखिल कपूर जी का, उनके साथ आए जिला अध्यक्ष भाजपा जिला चंद्रभूषण नाग और अन्य जितने भी पदाधिकारी, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन कांगड़ा को इस संकट के समय में ये राहत सामग्री प्रोवाइड कराई है। थैंक यू।